सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? एक्चुअली पिछले वीडियो हमने दिया था आप रिसेलर होस्टिंग के बारे में, उसमें काफ़ी डिस्कस किया था कैसे आप रिसेलर होस्टिंग के बिज़नेस कर सकते हैं और किस तरह प्रॉफिट होने वाला है एंड क्यों आपको रिसेलर होस्टिंग बिज़नेस मतलब होस्टिंग के बिज़नेस अब करना है, इसमें क्या फ़ायदा आपको मिलेगा आगे जाके, आपका फ्यूचर क्या है, सारे डिस्कस किया है क्या हूँ। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात बताने वाले हैं कैसे आप जो रिसेलर होस्टिंग है कैसे आप बाय करोगी, कैसे इसको डोमेन सेटअप वगैरह करोगी, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं कैसे आपको इसका होस्टिंग कहाँ से, आप पहले तो मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था आपको होस्टिंग कहाँ से लेना था और किससे आपको फ़ायदा होने वाला है, और दूसरी बात है इसमें आपको होस्टिंग की टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपका सेटिंग्स वगैरह करना है, तो वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर आने वाले दिनों में एक एक स्टेप करके आपको पूरी सेटअप करके देंगे और आप भी उसको खुद से आप सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, सारी फंक्शनलिटी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हो जाए, बट कोशिश कीजिए एंड तक देखने के लिए, क्योंकि अगर आप स्किप भी करेंगे तो क्या है ना, आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उस समय आप बोलो कि हमको अब प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो भी इशू आएगी हमारी चलते वक्त वो हम आपका सामने वो सारे चीज सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड, हम फिर ओपन करते हैं, और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, साथ में दिए गए नंबर भी सर्च में दिए गए आपको बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले पिछले वीडियो मैंने बताया था एक का साइट की नाम जिसका हमको सबसे लो प्राइस में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज वगैरह मिल जाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और मैं उसका आप उसके वहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि मैंने कंपेयर करके दिखाया था गोडेडी वाला या जो भी अदर्स वाला है सबसे सस्ता है, अब इससे सस्ता हो ही नहीं सकता। तो चलिए, उसका नाम है gofind.in और gofind.in हम ओपन करने के बाद इस तरह देख सकते हैं, इस तरह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं gofind.in। तो इस तरह आने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले होस्टिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे तीन चार्जेस मिल जाता है, सिंगल शेयर होस्टिंग, मल्टी शेयर होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। तो हमारे लिए चाहिए, हमारे केस में चाहिए रिसेलर होस्टिंग, हम रिसेलर होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे की ओर हमको प्लान देखने को मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से मैं जो प्लान भी लेना है आप देख लीजिए इसका प्राइजेस वगैरह और सारी चीज़ वगैरह, तो मैं तो इसी वाला आपको इनिशियली जिसको शुरुआत करना है इसी से जो 399 रुपये पर मंथ है वो वाला से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ पेज में आप आ जाएंगे, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो है, पहले तो आपको देखना पड़ेगा आपका पास कोई होस्टिंग के रिलेटेड कोई डोमेन है क्या नहीं, ऐसे आप किसी भी डोमेन डाल देंगे तो क्या होगा वो नहीं, आप आगे जाके वो रैंक भी नहीं कर सकते हैं और इसके पास आपको विजिटर आने में भी वो आने के बाद भी आपको भरोसा करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसके रिलेटेड सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है, आप सबसे पहले एक नोट पैड ओपन कर लीजिए अगर आप सिस्टम से देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल से वगैरह देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, पहले आप सोच लीजिए आप कौन सी डोमेन से आपको करवाना है, ठीक है। लाइक वैसे होता है आप होस्टिंग क्रिएट करना है तो वो किसी भी चीज़ के पास साइट में आप होस्ट लगा सकते हैं या होस्टिंग आप जो भी लगाना है, तो आपको होस्टिंग के नाम मतलब डोमेन का नाम बढ़िया सा नाम होना चाहिए, और अगर आपके पास डोमेन अवेलेबल है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें नीचे की ओर एक ऑप्शन देख रहा है आई विल यूज़ माई एक्साइटिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर, तो इसमें क्लिक कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो डोमेन आपका पास जिसके पास है, चाहे वो गोडेडी या बिगर किसी या होस्टगेटर से भी ले का है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप उस डोमेन का नाम इसमें डाल दीजिए। और लाइक xyz.com है तो हम xyz डाल के या पे .com डालेंगे या .in डालेंगे, जो भी है आपका हिसाब से आप डाल सकते हैं, कोई डॉट वगैरह मत दीजिए साइड में, ठीक है। और वो इस तरह करेंगे, अगर जिसके पास डोमेन की कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से पहले तो आप डोमेन चेक कर लीजिए, लाइक मिट्टी होस्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह आप कुछ नाम रखना है जिससे क्या है कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, कुछ देखने में या नाम सुनने में ऐसे कुछ होना चाहिए। मिट्टी होस्ट तो मैं .com या पे आप किसी भी डोमेन आपका हिसाब से जो भी लगाना है आप यहाँ से जो भी लेना है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है .com दिया गया है, मैं चेक पर क्लिक करता हूँ। चेक पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है मिट्टी होस्ट .com इज अनअवेलेबल, ठीक है, ऐसे कुछ शो कर रहा है। और बाकी जितनी भी डोमेन अवेलेबल रहेगा वो हमारे पास आ रहा है, मिट्टी होस्ट .net अवेलेबल है, प्राइस वगैरह सारे चीज़ शो करें, मिट्टी होस्ट .info। तो ऐसे एड टू कार्ट आप कर सकते हैं, एड टू कार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नाम भी और भी चेंज कर सकते हैं, जो भी मिट्टी होस्ट होस्टिंग मिट्टी होस्टिंग डाल कर देखते हैं। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन मिट्टी होस्टिंग .com इज़ अवेलेबल, प्राइस 600-700 रुपीस लगभग लग रहा है। अगर आप इसको लेना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐड कर देना, तो ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते इस तरह करना है, ठीक है, इस तरह करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे हिसाब से चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो शायद हमारे डोमेन यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, कुछ मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम रेसलर होस्टिंग के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्राइस आ रहा है 470 रुपीज़ 72 रुपीज़ GST है। तो ये सारी करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, आप साल के भी ले सकते हैं, अगर आप साल के भी लेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको फ़ायदा में हो जाएगी, या आप DNS मैनेजमेंट या फ्री आपको मिल रहा हो 1 ईयर, ये आप टिक करके दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, तो शॉपिंग कार्ट में लेके जाएगी आपको, ये देख सकते हैं आपको पहले जो मिट्टी होस्टिंग .com ये रिसेलर होस्टिंग है 399 रुपये, और ये मिट्टी होस्टिंग .com का जो डोमेन है वो 699 का 1 साल के लिए है, और ईमेल फॉरवर्डिंग DNS मैनेजमेंट सारी चीज़ फ्री आपको मिल जाता है, ठीक है। तो और सारे चीज़ मिला के इसमें देखने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर एक मंथ के लिए लेना है तो उस केस में आपको कुछ मतलब डिस्काउंट कोई प्रोमो नहीं है, फिर भी मैं अगर जिन्होंने 1 साल के लिए लेना है तो इसके लिए मैं एक प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगी, 26% डिस्काउंट मिल जाएगी, बता देता हूँ प्रोमो कोड का क्या है, कैपिटल में रिपब्लिक लिख के 26 डाल दीजिए, कोई स्पेस मत दीजिए, रिपब्लिक कैपिटल में डाल के और साथ में 26 डाल दीजिए। तो फिर आप यहाँ पे क्या करना है, चेकआउट करना है, ठीक है, चेकआउट करेंगे तो आपको अकाउंट बनवाना पड़ेगा, हम चेकआउट करके दिखाते हैं। तो आपको साइड में अगर अकाउंट है ऑलरेडी रजिस्टर है तो इसमें क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो, अगर पहली बार आया है तो इसमें अकाउंट बना लीजिए, फिर आप पासवर्ड वगैरह डाल के आप जस्ट यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर करके कर दीजिए, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करना है पेमेंट
हो जाएगी। जब भी पेमेंट हो जाएगी, होने के बाद ही आपका मेल चेक कीजिए, तुरंत आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की आईडी वगैरह सारी चीज़ तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक WHM, मैंने पिछले वीडियो में बताया था WHM की मतलब है वेब होस्ट मैनेजर, एक आईडी पासवर्ड दी जाएगी, एक सीपैनल का आईडी पासवर्ड दी जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, दोनों में आप लॉगिन करके देख लेना है। अगर आपने डोमेन लिया है साइट से तो आपको कोई नेम सर्वर वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। अगर किसी और जगह से आपने डोमेन ले रखा है उस केस में उसी वाली मेल में जो तुरंत मिलेगा आपको मेल, उसी मेल में आपको एक नेम सर्वर देखने को मिलेगा। मेल इसका बेसिकली नेम सर्वर है ns1gofine.in, ns2go.gofine.in, ये सारी नेम सर्वर आपको अपडेट करना रहेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, अगर इसी जगह से डोमेन लिया है तो तुरंत एक्टिवेट सारी चीज़ हो जाएगी। और होने के बाद आपको दोनों में लॉगिन करके देखना है, और लॉगिन करने के बाद मैं आपको लॉगिन करवा के दिखाती हूँ उसका किस तरह होता है। सॉरी मैं फ्रेंड, इस वीडियो में मैं लॉगिन नहीं करवाऊँगा, मैं अगली वीडियो में लॉगिन करके आपको दिखाऊँगा इसका वेब होस्ट मैनेजर जो WHM होता है। एक होता है WHM और एक होता है WHMCS। अभी तो मैं WHMCS की मैंने बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि पहले तो आपको WHM के बारे में समझना पड़ेगा, फिर हम आगे जाके WHMCS के बारे में समझ लेंगे वो क्या है। WHMCS की जो फुल फॉर्म है वेब होस्ट मैनेजर, जो क्लाइंट मैनेजमेंट का होता है, तो इस तरह होता है। और सीपैनल तो बेसिकली सबको पता ही है। तो अब पहले ये सारी कंप्लीट कर लीजिए और आगे जाके हम अगली ट्यूटोरियल में उसका ब्लॉग जो क्रेडेंशियल मिलेगा, मतलब जो मेल मिलेगा, मेल के अंदर क्या क्या चीज़ मिला है वो सारी चीज़ हम देखेंगे और एक एक चीज़ को हम लॉगिन करवाएंगे। फिर आगे जाके आपको कैसे सर्वर मेंटेन करना है, कैसे आप क्लाइंट मैनेज करेंगे, फिर अगले वीडियो में आएंगे हमारे जो WHMCS को मेन सबसे काम होता है WHMCS को समझना, और दोनों WHM और WHMCS को कनेक्ट करना है। होस्टिंग के बिजनेस में WHM बहुत ही मायने रखता है, अगर WHMCS नहीं है आपके पास तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें खुद से मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। WHMCS ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली सारा चीज़ हो जाता है। तो WHMCS के बारे में आपको समझना पड़ेगा, एक काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे, फिर हम साइट डिज़ाइन करेंगे जो अपने होस्टिंग के लिए जो साइट बनाया, जैसे godaddy वाला है वो उस तरह साइट हम डिज़ाइनिंग करेंगे। काफ़ी सारे काम है, तो आप एक एक स्टेप को एक एक हमारी वीडियो देख के कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आगे जाके सारी चीज़ करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो ये सारी आप कंप्लीट कर लीजिए, हम अगले वीडियो में अगले स्टेप हम बताएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी से बात कर लेना, हेल्प चैट वगैरह सारी चीज़ है अवेलेबल, आप उससे डायरेक्टली या फिर चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, और इसे आपको रिसेलर होस्टिंग मैंने फाइनली बताया इसी जगह से लेने के लिए, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो अनलिमिटेड स्टोरेज वगैरह मिल जाता है, दूसरी तरफ है आपको सब बेसिकली सब हर जगह पे देख सकते हो जो डायरेक्ट एडमिन मिल रहा है। और डायरेक्ट एडमिन आप सेल करने लगोगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट एडमिन वो समझना मतलब सब लोगों को प्रॉब्लम आता है समझने के लिए। ये एक होता है सीपैनल, अगर हो जाए तो सारे लोग सब लोगों को पता है सीपैनल अच्छी तरह से मैनेज करना, तो सब लोग ढूंढते हैं सीपैनल की, और डायरेक्ट एडमिन मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट एडमिन समझने के लिए। तो ये होता है बेसिकली प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ है इसमें SSL वगैरह सारी चीज़ फ्री आपको मिल जाता है, और जितनी भी आप होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसको भी आप SSL प्रोवाइड करा सकते हो साल में फ्री आपको SSL। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत अच्छी है, आप देख लीजिए वीडियो, आपको थोड़ा सा जानकारी मिला अच्छा मिला, और जैसे भी मिला आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो फ्रेंड, थैंक यू।